जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। अब जैसा कि आपको पता होगा कि जो पीसी और कॉन्सोल्स की गेम्स होती हैं ना, वो बहुत अच्छी होती है। उन्हें आपको बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, साथ साथ में कंट्रोल्स भी उन गेम्स के कमाल के होते हैं और स्टोरी लाइन तो अल्टीमेट होती ही है। तो वैसी 10 गेम्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा जिन्हें कि आप अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस में भी प्ले कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको आपके एंड्रॉयड फ़ोन के लिए मैं आज आपको 10 गेम्स बताऊंगा जिनके ग्राफिक्स, स्टोरी लाइन और कंट्रोल्स आपको पीसी और कंसोल्स गेम्स के जैसे मिलने वाले हैं। और हाँ, जो जो भी मैं आपको इस वीडियो में गेम्स बताऊँगा उन सभी गेम्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं नीचे प्ले स्टोर का ऑफिशियल लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप बिना किसी प्रॉब्लम के उन गेम्स को बड़ी आसानी से डाउनलोड कर पाएँ। तो एक करके बात करेंगे इन सभी गेम्स के बारे में। तो चले आ दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम यहां पे शुरू करते हैं। बात करें यहाँ पे पहले गेम की, तो वो निकल के आता है AR के सर्वाइवल इवॉल्व। अब ये बहुत ही कमाल का सर्वाइवल गेम है जिसे कि आप अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस में प्ले कर सकते हैं। देख लो, इस तरीके के शानदार ग्राफिक्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें आपको एक आइलैंड के ऊपर छोड़ा जाएगा जहाँ से कि आपको सर्वाइव करना है। सर्वाइव कैसे करना है, किन से करना है, जंगली जानवरों से बच के आपको सर्वाइव करना है, आपको अपना घर बिल्ड करना है, अपने लिए वेपन्स को क्राफ्ट करना है और साथ साथ में आपको सामना करना है अपने आने वाली सभी चीज़ों का। जो भी चीज़ आपको मिलती है उसका यूज़ कीजिए, कस्टम कीजिए, वेपन बनाइए और उनसे सामना कीजिए आप अपने एनिमीज का। तो यार, अगर आपको सर्वाइवल गेम्स खेलना पसंद आना और ये गेम बिल्कुल ऑफलाइन होने वाला है, तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हैं। इसका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्ले स्टोर का ऑफिशियल लिंक होगा, क्लिक करो, डाउनलोड करो और गेम को इंजॉय कर लो। चलिए तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और माय लिस्ट का जो दूसरा गेम निकल गया था उसका नाम है रिपब्लिक। अभी एक बहुत ही कमाल का एक्शन और एडवेंचर गेम है जिसमें आपको एक इलाके में छोड़ा जाएगा और उस इलाके से आपको बच के निकलना है। इसमें आपको छोड़ा जाएगा नई नई लोकेशंस में और वहां से आपको बच निकलना है। बस यही इस गेम का मेन मोटिव है। तो अगर आपको इस तरीके की गेम खेलना पसंद है तो जाओ, इसका भी लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसे भी डाउनलोड करके आप अपने एंड्रॉइड फोन में एंजॉय कर सकते हो। और इसी के साथ बात करें हमने तीसरे गेम की, तो वो निकल के आता है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और 2। अब द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 तो मैं उतना रिकमेंड नहीं करता, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 गेम को डाउनलोड करें। और हाँ, ये गेम आपको प्ले स्टोर के ऊपर तो अवेलेबल नहीं मिलेगा, कुछ कारणों की वजह से इस गेम को प्ले स्टोर के ऊपर से हटा दिया गया था, लेकिन मैं इसका दूसरा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इस गेम को वहां से बड़ी आसानी से डाउनलोड कर पाएं। अब बात करें गेम की, तो गेम लोफ का गेम है। कंट्रोल्स और ग्राफिक्स इस गेम के आपको बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाएंगी। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हाल ही में PS5 आया था, तो उसमें स्पाइडरमैन का गेम ही सबसे पहला आया था और वो गेम बहुत ही पॉपुलर भी हुआ था। तो आप भी यार अमेजिंग स्पाइडरमैन की गेम को अपने फ़ोन में चला सकते हैं। अब गेम से मेरा मतलब ये नहीं कि आपको कार्ड गेम दे दिया या फिर कुछ ऐसा वैसा गेम दे दिया, बिल्कुल प्रॉपर इसमें आपको मिशंस मिलने वाले हैं, बिल्कुल ओपन वर्ल्ड टाइप का आपका ये गेम होने वाला है। तो अगर आपको स्पाइडरमैन के गेम खेलना पसंद है तो जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, डाउनलोड करके इस गेम को भी आप इंजॉय कर सकते हो। और इसी के साथ बात करें हम अपने चौथे गेम की, तो वो निकल गया था मैक्स पेन। अब यार मैक्स पेन एक बहुत ही कमाल का स्टोरी बेस्ड गेम है जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। और हाँ, इस गेम को डेवलप किया है रॉकस्टार कंपनी ने, ये वही कंपनी है जिन्होंने GTA की सीरीज को डेवलप किया है। तो यार इस तरीके का गेम प्ले इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। एक बंदे की स्टोरी बताई जाएगी कि किस तरीके से वो बंदा अपनी वाइफ को खो देता है और उसके बाद पागल हो जाता है। तो यार गेम के नाम में ही क्लियर है, मैक्स पेन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दर्द इसमें आपको देखने को मिलेगा। स्टोरी इसकी आपको बहुत पसंद आने वाली है, ग्राफिक्स भी गेम के बहुत ही कमाल के और कंट्रोल्स भी अल्टीमेट है। अब यार रॉकस्टार का गेम है तो ये सब तो कमाल का होगा ही ना। तो अगर आपको मैक्स पेन या फिर रॉकस्टार के गेम्स खेलना पसंद है तो इस गेम को आप ट्राई कर सकते हो। इसका भी लिंक मिल जाएगा आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और हमारे लिस्ट का जो अगला गेम निकल के आता है उसका नाम है PS 2021। अभी एक बहुत ही कमाल का फुटबॉल गेम है। मैंने स्पोर्ट्स कैटेगरी से भी कुछ गेम उठाए हुए हैं, तो अगर आपको फुटबॉल खेलना पसंद है या फिर आप फुटबॉल के शौकीन हो तो आप इस गेम को अपने फोन में ट्राई कर सकते हो। बहुत ही कमाल का गेम है, ग्राफिक्स और कंट्रोल्स गेम के बहुत ही अल्टीमेट है। तो इसका भी लिंक मिल जाएगा आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसे भी आप डाउनलोड करके अपने फोन में एंजॉय कर सकते हो। चलिए तो इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ फाइटिंग गेम्स की। तो फाइटिंग गेम्स में सबसे पहला जो गेम निकल के आता है उसका नाम है इनजस्टिस 2। अब ये एक बहुत ही कमाल का हाई ग्राफिक फाइटिंग गेम है और पीसी और कंसोल्स के ऊपर भी ये गेम बहुत ही पॉपुलर हुआ था। तो अगर आपको फाइटिंग गेम्स खेलना पसंद है तो यार इस गेम को भी आप अपने एंड्रॉइड डिवाइसेस में प्ले कर सकते हो। कंट्रोल्स भी बहुत ही कमाल के और ग्राफिक्स तो आप देख सकते हो, इस तरीके के शानदार ग्राफिक इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका भी लिंक मिल जाएगा आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्ले स्टोर का लिंक होगा, डाउनलोड करके आप इस गेम को एंजॉय कर
कर सकते हो। चलिए तो इस बात बढ़ते हैं आगे और माई लिस्ट का जो अगला गेम निकल के आता है उसका नाम है बुली। अब यार ये एक बहुत ही कमाल का ओपन वर्ल्ड टाइप का गेम है जो कि टीनेज के ऊपर बनाया गया है। इसमें आपको छोड़ा जाएगा एक गोल के अंदर जहां से कि आपको अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करना है। तो लाइफ देख लो इस तरीके का इसमें आपको गेम प्ले देखने को मिलने वाला। अभी एक शैतान बच्चा होता है जिसकी हॉस्टल में छोड़ा जाता है पढ़ने के लिए और उसी की स्टोरी के ऊपर ये पूरी गेम आपकी बनी हुई है। तो अगर आपको इस तरीके की गेम खेलना पसंद है ना तो आप इस गेम को भी अपने फोन में ट्राई कर सकते हो। इसका भी लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले स्टोर के ऊपर। तो ये गेम पेड है लेकिन मैं दूसरा कोई पायरेटेड लिंक इसका आपको प्रोवाइड कर दूंगा जहां से कि आप इस गेम को बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये गेम भी आपकी रॉकस्टार कंपनी के द्वारा बनाई गई है जो कि GTA की गेम्स को बनाती है। और जैसा कि आपको पता होगा कि बुली 1 जब आया था तो उसके बाद उसका कोई अगला पार्ट अभी तक नहीं आया और शायद आएगा भी नहीं। आप बुली को अपने फोन में ट्राई कर सकते हैं। PC और कंसोल्स के ऊपर ये गेम आपको बहुत ही पॉपुलर हुआ था एक टाइम के ऊपर। तो यार इस गेम को भी आप अपने फोन में ट्राई कर सकते हो। चलिए तो इस बात बढ़ते हैं आगे और माइलिस का जो अगला गेम निकल के आता है उसका नाम है मोर्टल कॉम्बैट। अब ये एक बहुत ही कमाल का फाइटिंग गेम है, बहुत ही कमाल के ग्राफिक्स, बहुत ही कमाल के कैरेक्टर्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको इस तरीके के गेम खेलना पसंद है तो देख लो इस तरीके का गेम प्ले इसमें आपका होने वाला है। तो इसका भी प्ले स्टोर का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में। बस आपको उस पर क्लिक करना है और आप पहुंच जाएंगे प्ले स्टोर पे और प्ले स्टोर से आप इस गेम को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस बात करें अब मैं सेकंड लास्ट गेम की तो वो निकले आता है NBA 2K20। अभी एक बास्केटबॉल टाइप का गेम है एक और स्पोर्ट्स कैटेगरी की तरफ से। तो अगर आपको बास्केटबॉल खेलना पसंद है या बास्केटबॉल के शौकीन हो तो आप यार इस गेम को भी अपने एंड्रॉइड डिवाइसेज में प्ले कर सकते हो। PC और कंसोल्स के ऊपर भी ये गेम आपका बहुत ही पॉपुलर हुआ था। ग्राफिक्स गेम के कमाल के हैं, कंट्रोल्स भी गेम के बहुत ही अच्छे हैं। तो आप इस गेम को भी ट्राई कर सकते हो। इसका भी लिंक मिल जाएगा आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन। और बात करें हम अपने आखिरी गेम की तो वो निकल के आता है बैटमैन। अब बैटमैन के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुन ही रखा होगा, अगर नहीं सुना तो देख लो इस तरीके का गेम प्ले इसमें आपका होने वाला है। बिल्कुल ओपन वर्ल्ड गेम आपका ये होने वाला है स्पाइडरमैन 2 की तरह और बहुत सारे मिशंस इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। गेम के ग्राफिक्स भी कमाल के और कंट्रोल्स भी गेम के बहुत ही अच्छे हैं। तो अगर आपको इस तरीके का गेम खेलना पसंद है तो इसका भी लिंक मिल जाएगा आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में। बिल्कुल फ्री में आप प्ले स्टोर से इस गेम को भी डाउनलोड करके अपने एंड्रॉइड फोन में इंजॉय कर सकते हैं। चलिए तो ये तो थे बेस्ट एंड्रॉइड गेम जिन्हें कि आप अपने एंड्रॉइड डिवाइसेज में प्ले कर सकते हो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। और अगर आपको प्ले स्टोर वाले गेम्स नहीं पसंद है ना या फिर अगर आपने इन सभी गेम्स को अपने फोन में खेल लिया है अब आप दूसरे कोई अच्छे गेम्स ढूंढना चाहते हो तो आप लोग को क्या करना है चले आना मेरे चैनल के ऊपर। यहाँ पे मैंने बहुत सारी एमुलेटर्स की गेम्स के ऊपर वीडियो बना रखी है जैसे कि PPSSPP के गेम्स हो गए या फिर डीमन PS2 एमुलेटर के गेम्स हो गए। तो उन गेम्स को भी आप अपने फोन में ट्राई कर सकते हैं। अब जिन लोगों को एमुलेटर के बारे में पता है वही उन लोगों को तो पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। जिन लोगों को नहीं पता आपको सिंपली मेरे चैनल पे चले आना है, यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि टॉप 10 PPSSPP गेम्स या फिर टॉप 10 डीमन PS2 गेम। वहां से देख के आपको जो गेम पसंद आता है आप उस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल प्रॉपर इंस्टॉलेशन गाइड मैंने अपने चैनल पे बना के रखी हुई है कि आप कैसे इन एमुलेटर की गेम को अपने फोन में चला सकते हो और बिना किसी प्रॉब्लम के अपने फोन में इंजॉय कर सकते हैं। तो चैनल को चेकआउट जरूर से कर देना। हाँ यार दोस्तों बस इन वीडियो में वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाओ और साथ ऐसी और गेमिंग वीडियोस के लिए अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बाय यार मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Take a look in the mirror, are you seeing some fear? You hear the voice in your ear, can you start to see clear? Are the bad thoughts near? Or can you be where your feet are young when you stand right here and say no? I'm never gonna give up, I'm never gonna slow. The one that doesn't give up, never loses to a foe. The one that